बीएससी सेकेंड ईयर के टैक्सोनॉमी के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग जिस कुल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एपोसाइनेसी। ये जो फैमिली एपोसाइनेसी है, ये इसको हम लोग डॉगबेन फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द एपो और केनोस के को जोड़ के मिला हुआ है। एपो का मतलब होता है फ्रॉम और केनोस का मतलब होता है डॉग, मतलब कि अर्थात कुत्तों के लिए विषैला, मतलब इसके पादप जो हैं कुछ पादप इसमें विषैले भी होते हैं और मेडिसिनल वैल्यू के भी होते हैं, तो इसका नाम एपोसाइनेसी है। और एपोसाइनेसी फैमिली में जो अगर हम लोग बात करें कुछ भारत में पाए जाने वाले जो प्रमुख जो इसके वंशों की अगर हम लोग बात करते हैं जिनको आप पहचानते भी हैं, उनमें से जो पौधे मुख्य रूप से आते हैं वो है सदाबहार जिसको हम कैथरेंथस कहते हैं, नीरियम जिसको हम कनेर कहते हैं, थिवीशिया जिसको हम पीली कनेर कहते हैं, टेबर्नी मोंटेना चांदनी उसको हम लोग कहते हैं, इसी प्रकार से कैरिसा एक प्लांट है जिसको हम लोग करौंदा कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप लोग पहचानते हैं, और उन प्लांट्स को थोड़ा सा आप अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो हमें ये फैमिली समझने में आसानी होगी। इसकी जो सिस्टमैटिक पोजीशन है, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो बेंथम एंड हुकर के जो वर्गीकरण की जो प्रणाली है उसके अनुसार इसकी जो क्लास है वो डाइकोटिलेडोनी है, इसकी उप क्लास गैमोपिटेली है, और इसकी जो श्रेणी है या सीरीज है वो बाइकार्पिलेटी है, ऑर्डर जेंशियनेल्स है, और इसकी कुल जो है वो एपोसाइनेसी है। एपोसाइनेसी के करीब 180 जेनरा और 1500 स्पीशीज़ हैं, और इनमें से भारतवर्ष में करीब 84 स्पीशीज़ और उस 30 जेनरा के करीब 84 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, टेम्परेट भागों में या जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं उनमें ये कम पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्लांट्स में हमें हर्ब्स भी मिलते हैं, जैसे इसमें कैथरेंथस आ जाएगा। कैथरेंथस जो है हर्बेशियस भी कई बार बड़ा जाता है तो हम इसको शाक भी कह सकते हैं, और इसमें ज़्यादातर काष्ठीय क्लाइंबर्स या वुडी क्लाइंबर्स इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ट्रीज़ के समान भी प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया जो है ये एक ट्री के रूप में काफ़ी घना ट्री होता है जिसको कि छायादार वृक्ष के रूप में लगाया जाता है, और कुछ जो इसके बहुवर्षीय शुप होते हैं उसमें नीरियम है, जैसे नीरियम इंडिका हो गया, थिवीशिया पिरुवियाना हो गया, प्लूमेरिया जिसको हम लोग चंपा कहते हैं, नाग चंपा कहते हैं, वो इसी के प्लांट्स हैं। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में जो इसके स्टेम है वो ज़्यादातर हर्बेशियस होता है और ग्रीन होता है, इरेक्ट होता है, जहाँ पर प्लांट्स श्रबी हैं वहाँ पे वुडी भी हो सकता है, ब्रांच्ड होता है, और इनमें लेटेक्स पाया जाता है। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, लीव्स इसमें समानतया सरल होती हैं, सम्मुख होती हैं, कभी कभी क्रॉसित सम्मुख क्रॉसित भी पाई जाती है जैसे कैथरेंथस में या सदाबहार में। इसके अलावा ये युग्म में पाई जा सकती है और चक्र के रूप में भी पाई जाती है, जैसे थिवीशिया में ये वर्ल्ड होती है। इस प्रकार से इनकी लीव्स में ज़्यादातर व्रंत उपस्थित होता है, पर जो स्टिप्यूल है वो ज़्यादातर एब्सेंट होता है, और इसमें यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो पाया जाता है। इन पौधों के सभी अंगों में दूधिया और रबड़ वाला लेटेक्स या शीथ पाया जाता है, और ये इस फैमिली का एक बहुत ही प्रमुख लक्षण है, क्योंकि इसमें मिल्की लेटेक्स जो है इस प्लांट के सभी पार्ट्स में से निकलता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स में
इसमें जो मुख्य इसका पुष्पक्रम है वो ससीमाक्ष प्रकार का होता है और उसमें अन्य प्रकार के रूपांतर भी पाए जा सकते हैं, जैसे कैथरेंथस के अंदर एकल कक्षस्थ या सॉलिटरी एक्सिलरी पाया जा सकता है, कुछ में ये जैसे अम्बल टाइप का भी पाया जा सकता है जिसको हम लोग पुष्प छत्र कह सकते हैं एस्टोनिया में। इसके अलावा जो ससीमाक्षी जो है वो कैरिसा में पाया जाएगा और टर्मिनल साइम जो है वो प्लूमेरिया में पाया जाएगा। तो ज़्यादातर जो मुख्य इसमें पुष्पक्रम है वो ससीमाक्षी प्रकार का या उसी के रूपांतरण जो है हमें देखने को मिलेंगे। फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो फ्लावर में सहपत्री जो है उपस्थित है, सहपत्रिकी भी पाई जा सकती है। पुष्प जो है बायसेक्सुअल या उभयलिंगी है और ये फ्लावर्स जो है वो त्रिज्या सममित होते हैं, मतलब कि ये एक्टिनोमॉर्फिक हैं। फ्लावर पेंटामरस या पंचतई हैं, हाइपोगाइनस या जाएंगाधार हैं और कभी कभी परिजाएंगी कंडीशन भी पाई जा सकती है जैसे प्लूमेरिया पर, मुख्य रूप से इसमें जाएंगाधार कंडीशन पाई जाती है। सेपल्स इसमें 5 पाए जाएंगे, मुख्य रूप से 5 पाए जाते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं, पॉलीसेपल्स होते हैं। कभी कभी मतलब मुख्य रूप से गैमोसेपल्स होते हैं, कभी कभी पॉलीसेपल्स भी हो जाते हैं और इसमें इम्ब्रिकेट या क्विंक्विंशियल जो है वो पाया जाता है एस्टिबेशन। और इसके जो सेपल्स होते हैं उसमें कई बारी छोटे छोटे शल्क भी पाए जा सकते हैं या ग्लैंड्स भी पाए जा सकते हैं। अगर हम लोग इसके दलपुंज या करोला की बात करें तो पेटल्स की संख्या 5 हैं, ये संयुक्त दली हैं और ज़्यादातर जो इसमें एस्टिवेशन होता है वो ट्विस्टेड प्रकार का होता है, जैसे व्यावर्तित होता है और इसमें जो ये पेटल्स होते हैं वो जुड़कर एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती हैं। और इसमें क्या होता है कि इसकी इन फ्लावर्स में इनके जो पेटल्स होते हैं उसमें अतिवृद्धि पाई जाती है और ये अतिवृद्धियाँ को किरीट या कोरोना कहते हैं। जैसे कि अगर हम नीरियम का फ्लावर देखेंगे तो इसमें सूत्राकार अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं और ये फ्लावर के जो नेक है या जो गला है वहाँ पर एक कोरोना का निर्माण करती हैं। तो ये कोरोना का प्रेजेंस जो है ये भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फैमिली का। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कोरोना इसमें प्रेजेंट रहता है। अब हम आते हैं इसके पुमंग पे। पुमंग में इसकी पुंकेसर की संख्या जो है मुख्य रूप से 5 पाई जाती है और ये स्टेमेंस जो हैं वो बेस पे पेटल के साथ जुड़े होते हैं, इसका मतलब वो दल लग्न हैं। और इसमें जो पुतंतु होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और जो पराग कोश होते हैं वो द्विकोष्ठी होते हैं और कई बार इनकी जो शेप है वो एक तीर के समान पाई जाती है। गायनोशियम की हम लोग जायांग की बात करें तो जायांग इसमें द्विअंडपी है और ज़्यादातर ये युक्त अंडपी भी हो सकता है और कभी कभी ये फ्री भी होता है। और इसमें जो ओवरी है वो इन्फीरियर कभी कभी होती है, मुख्य रूप से सुपीरियर होती है, मतलब उधरवर्ती है, कभी कभी अधोवर्ती कंडीशन भी पाई जा सकती है। और इसमें जो मेन चीज़ ये है कि इसके जो जयांग है इसमें जो अंडप होते हैं वो निचले भाग में स्वतंत्र होते हैं, मतलब नीचे की तरह दोनों ओवरी जो है वो अलग अलग होती हैं और इनके ऊपर इनकी वर्तिका और वर्तिकाग्र जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो फल है वो ज़्यादातर फॉलिकल का जोड़ा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पेयर ऑफ फॉलिकल, मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा अन्य प्रकार के भी फल पाए जा सकते हैं जैसे ड्रूप है, बेरी है, ये भी पाया जाता है। पॉलिनेशन इसमें मुख्य रूप से परागण जो है इसका वो कीटों के द्वारा ही होता है। अगर हम लोग इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें प्लांट्स जो हैं
वो हमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी मिलते हैं, रबर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स मिलते हैं, कुछ खाने योग्य प्लांट्स भी हैं, पर इसका जो मेन जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो इसके मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में इसमें हमें प्लांट्स मिलेंगे। तो इनकी हम लोग बात करते हैं। वेजिटेबल की अगर हम बात करें तो कैरिसा कैरेंडस, जिसको हम लोग करौंदा कहते हैं, इसके फल जो है वो सब्जी के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और अचार भी डाला जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मेडिसिनल प्लांट है वो है रॉवोल्फिया सर्पेंटिना, जिसको हम लोग सर्पगंधा कहते हैं। और सर्पगंधा की जड़ों से प्राप्त जो औषधि होती है वो उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर और मस्तिष्क रोगों के उपचार में मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है। इसी प्रकार से कैथेरेंथस रोजेस जो प्लांट है, जिसको हम सदाबहार कहते हैं, इसकी मूल से प्राप्त एल्कलॉइड्स जो हैं उसमें एंटी कैंसरस तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से इसके रूट्स का जो एक्सट्रैक्ट है, इसको मुख्य रूप से कैंसर के ट्रीटमेंट में, और इसके जो पुष्प और जो लीव्स हैं उसका प्रयोग जो है वो मधुमेह या डायबिटीज़ में किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ प्लांट्स जैसे इसमें हैंकोरा है, डायरिया है, अर्सियोला है, ये इनसे शीर या लेटेक्स प्राप्त होता है जिससे रबर बनाया जाता है। और इसके अलावा इसमें कुछ प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी पॉइजनस भी होते हैं, जैसे ग्रेविशिया है, पीली कनेर है, इसकी जो बीज होते हैं उसमें पॉइजनस ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। इसी प्रकार से जो एकोकैंथिरा प्लांट है उसके जो लेटेक्स या शीर है वो तीरों को जहरीला बनाने के काम में आता था। इसी प्रकार से जो नीरियम इंडिकम या जो कनेर है, इसकी जो छाल है या इसकी जो काष्ठ है, इसमें से एक तरह का पॉइजन प्राप्त होता है जिसको चूहे मारने की दवाई में उपयोग में लिया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने अब इस बार जो फैमिली पढ़ी है उसका नाम है एपोसाइनेसी। हमने इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स और इसमें इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, इनके बारे में अध्ययन किया है। अगली लेक्चर में हम एस्क्लिपिडेसी फैमिली को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।